अब बात करेंगे झारखंड की। रांची में आज जेएमएम कार्य समिति की बैठक है। बैठक में स्थानीय नीति के विरोध में सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। झारखंड में रघुवर सरकार की ओर से लाई गई स्थानीय नीति का जेएमएम लगातार विरोध कर रहा है। जेएमएम स्थानीय नीति को 1932 खतियान के आधार पर बनाने की लगातार मांग कर रहा है। उसको लेकर एक अहम मीटिंग है। जेएमएम की सरकार को घेरने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है जेएमएम, और ये माना जा रहा है कि जो स्थानीय नीति रघुवर सरकार ने तैयार की है, जेएमएम अब उसी को आधार बनाकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है, और इसी को लेकर जेएमएम कार्य समिति की एक अहम बैठक आज रांची में है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष सिन्हा इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, स्थानीय नीति सरकार ने तैयार की है, लेकिन अब उसको लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिल सकता है, खासतौर पर जेएमएम की तरफ से। जी, जिस तरह से पिछले दिनों जिस तरह से जब से कैबिनेट के द्वारा स्थानीय नीति की घोषणा की गई रघुवर सरकार के द्वारा, उस समय से ही इसको लेकर के जेएमएम का स्टैंड साफ है, और वो फर्स्ट दिन से ही क्या कहें, प्रथम दिन से ही जो है इस नीति का जो है स्थानीय नीति का विरोध कर रही है। इसके बाद और भी अन्य जो दूसरी पार्टियां हैं, यहाँ तक कि जो सहयोगी पार्टी कहें आजसू, उसने भी कहीं ना कहीं इसमें खामियां गिना दी है और उसमें भी इसमें संशोधन की मांग की है। आज जबकि जेएमएम की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें सारे जो जेएमएम के जो पदाधिकारी हैं, केंद्रीय समिति के, केंद्रीय कार्यकारिणी के सारे लोग इसमें बैठेंगे और इस पर गहन विचार मंथन होगा कि जो स्थानीय नीति में क्या क्या खामियां हैं, उन खामियों को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे। इसको लेकर के जो है कहीं ना कहें कि एक आंदोलन की जो है एक रूपरेखा इस मीटिंग में जो है उम्मीद है कि तय की जाएगी, और उसके बाद जो है स्थानीय नीति को लेकर के जो जिस तरह से विरोध हो रहे हैं, इसके बाद इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, इसके अलावा जितने भी झारखंड में छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो JMM हो या फिर नेशनल पार्टी कांग्रेस हो या आसू हो या और भी जो झारखंड नामधारी छोटी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं इस नीति के विरोध कर रही है। उनका साफ कहना है कि इसमें जो खतियान को आधार नहीं बनाया गया है, जबकि 1932 का जो खतियान है इसको आधार बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो इसमें 10 साल जो शेड्यूल एरिया में 10 साल नियुक्तियों के आरक्षण की बात की गई है, तो और दूसरी जो पार्टियां हैं उनका कहना है कि 10 साल से कुछ नहीं होगा, इसको जो पूरे और वो जो 10 साल का जो आरक्षण का जो प्रावधान किया गया वो कुछ जो शेड्यूल एरिया है उन्हीं में किया गया है, करीब उसमें 12 से 14 जिले आते हैं। तो सारी पार्टियों का कहना है, खासकर के जेएमएम का कहना है कि जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियां हैं उसमें जो आरक्षण होना चाहिए वो 20 साल के लिए हो या उससे ज्यादा के लिए हो, पूरे झारखंड में हो। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज जब केंद्रीय कार्य समिति की जब बैठक जेएमएम की होगी, शिबू सोरेन के आवास पर 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है, उसमें क्या कुछ आंदोलन को लेकर के रणनीति बनती है, क्या कुछ रूपरेखा तय होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल आशुतोष, तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम आगे भी बात करेंगे। सवाल वही है कि जेएमएम कार्य समिति की एक अहम मीटिंग है, और माना यह जा रहा है कि स्थानीय नीति पर सरकार को घेरने के लिए जेएमएम रणनीति बना सकती है, और उसमें यह भी चर्चा कर सकती है कि सरकार ने जो नीति बनाई है स्थानीय नीति, उसका किस तरीके से विरोध किया जाए।